नवादा इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सांसदों का संसद से निलंबन लोकतंत्र की हत्या कहते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी माले के अलावे कई पार्टियों ने नवादा के प्रजातंत्र चौक स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। साथ ही 146 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांसदों का संसद से इस तरह निलंबन लोकतंत्र की हत्या है, मोदी सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए यह काम की है, यह कहीं से सही नहीं है। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जदयू के जिला अध्यक्ष सलमान राघी मुन्ना ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा सांसदों का निलंबन किया गया है, उसी के विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है, या हमारे पूरे भारत की लोकतंत्र की हत्या हुई है। नरेंद्र मोदी का जो पुतला दहन किया गया, किस लिए किया गया? नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं, क्या कारण? आज हम लोग का पूरे बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी जी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं, उसी के खिलाफ पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन का जो है वो रोष पूर्ण रैली थी। और हम लोग रोष में, पूरी जनता, हम ही लोग नहीं हैं, पार्टी के लोग, महागठबंधन के केवल लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता मरमरहत है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री देश के, उसके खिलाफ आज हम लोग रोड पर आए हैं। सभी दल के लोग आप देख ही रहे हैं, गठबंधन के सारे लोग हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, पूरी एकता के साथ हम लोग खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे आने वाले दिन। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेग